हुकूमत पंजाब के कई वज़रा के महकमों की कारकर्दगी सिफर, 20 से ज़ायद वज़रा के मातहत महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। वज़ीर इंसानी हकूक एजाज मसीह, वज़ीर मजहबी अमूर पीर सईदुल हसन के मातहत महकमे कुछ भी ना कर सके। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान के महकमे की कारकर्दगी 21 फीसद रही। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मातहत महकमा सेहत की कारकर्दगी 33 फीसद रही। वज़ीर खजाना सद उमर लाहौर के दौरे पर FPCCI के रीजनल ऑफिस और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए। सनतकारों और ताजर बरादरी से मुलाकातें की। सनतें चलाना सरमायाकारों का काम, हुकूमत मुआवनत करती है। छोटे ताजरों के लिए पूरे मुल्क में स्कीम लाएंगे वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर का ऐलान। बोले रिटर्न फाइल करने के लिए आसान तरीका मुतारिफ करवाएंगे। असद उमर ने बरामदात बढ़ाने के लिए ताजरों से तजावीज भी मांगी। मुझे यकीन है चंद माह में इंडस्ट्री तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगी। कारोबार करने की लागत को कम करने के इकदामात कर रहे हैं। जुलाई के मुकाबले में मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुशीर वजीर आजम सनत व तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद की एक्सपो सेंटर में लेदर शो के मौका पर तकरीब से खिताब। शिकायत मिलने के बाद FBR को फैक्ट्रियों और मिलों पर छापे मारने से रोक दिया। जल्द पॉलिसी बनाएंगे। वजीर मुमलिकत हमाद असर की चेयरमैन FBR जहां जेब खान के हमरा ताजरों को यकीन दहानी। कहा स्टील इंडस्ट्री के बहुत से सनतकार टैक्स अदा नहीं कर रहे। वजीर मुमलिकत की काम माल की फहरिस्त अगले हफ्ते ताजरों को फराहम करने का ऐलान। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट पुराना फॉर्म मंसूख, फेज वन के 3 इजला के लिए नया फॉर्म जारी कर दिया गया। 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस, दरखास्त गुजार को 10,000 रुपए टोकन मनी दरखास्त के साथ जमा करवाना होंगे। पुरानदाजी में कामयाब न होने की सूरत में टोकन मनी वापस कर दी जाएगी। माजूर या शहीद सरकारी मुलाजमीन, पुलिस और फौज के मुलाजमीन के लिए भी कोटा रखा गया है। मियां महमूद रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म के वादे की तकमील हम करेंगे। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1,00,000 यूनिट तामीर करने का टास्क सौंप दिया गया है। हुकूमत की मुआशी टीम मुतहर्रिक, सनतकारों से राबते तेज कर दिए। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल सनतकारों की मुश्किलात के खात्मे के लिए कोशां। पहली सतह पर सनतकारों से खुद मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर और वज़ीर रेवेन्यू हमाद असर की भी मुलाकातों का एहतमाम। रेस्क्यू 1122 में गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी का दायरा कार वसी। महकमा एंटी करप्शन ने अफसरान की भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। DDHR डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्जा को आज जाती हैसियत में तलब किया गया। एंटी करप्शन ने हेड ऑफ लॉ अली हसन की डिग्री तजर्बा सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड भी मांग लिया। पैरागॉन का एक और हाउसिंग स्कीम से जुड़ा मुआहदा मनसूख। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम से बतौर डेवलपमेंट पार्टनर डिफॉल्टर करार दे दिया गया। डेवलपमेंट पार्टनर 5 की बजाय 4 कर दिए गए। आइंदा हफ्ते नया मुआहदा डेवलपमेंट पार्टनर्स को मुस्तकबिल में 26,400 मरले की फाइलें फरोख्त करने का इख्तियार होगा। पंजाब असेंबली की नई अजाफी कायमा कमेटियों का कयाम। हायर एजुकेशन और स्कूल्स की अलग अलग कायमा कमेटी बना दी गई। प्राइमरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अलग अलग कमेटी कायम कर दी गई। कायमा कमेटियों की तादाद 36 से बढ़कर 40 हो गई। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी की मुख्तलिफ साइट्स को फौरी तौर पर आउटसोर्स करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं काम करने वालों को आगे लाएंगे, निकम्मों की छुट्टी होगी। आलमी मायार के हामिल इदारों को पार्किंग सेक्टर में मौका दिया जाएगा। पार्किंग कंपनियों को बेहतर और अहल मैन पावर के साथ काम करना होगा। पार्किंग कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तौसी करेगी।
पंजाब हुकूमत सूबे को साफ सुथरा बनाने के लिए मुतहर्रिक, सफाई की निगरान कंपनियों में नए अफसर लगा दिए। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों की सॉल्ट वेस्ट कंपनियों के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तायुनात। चौधरी खालिद नजीर बट्टू LWMC के COO लगा दिए गए। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अहकाम जारी कर दिए गए। शहर में चोरियां और डाके ना रुक सके। सब्जाजार में डाकुओं की फार्मेसी पर लूटमार, निकाबपोश डाकुओं ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए। फायरिंग भी की, डकैती की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पुलिस डाकू पकड़ने में ताहाल नाकाम। पुलिस शहर में जराइम पर काबू पाने के लिए सरगर्म। टाउनशिप पुलिस ने कार्रवाई करके 1 मंशियात फरोश और 2 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मंशियात, पतंगे, डोर और नाजायज असलहा बरामद। मुलजिम वकास निजी यूनिवर्सिटी में मंशियात सप्लाई करता था, जबकि मुलजिम पारस और अरशाद के कब्जे से पतंगे, डोर और असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। तुलबा हो जाएं तैयार, डेट शीट आ गई। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी। इम्तहानात का आगाज 1 मार्च से होगा। इम्तहानात में 2 लाख के करीब बच्चे शिरकत करेंगे। साल गुजर गया मगर असातिज़ा को अदायगियां ना हो सकी। प्राइमरी और मिडिल के इम्तहानात में ड्यूटियां देने वाले असातिज़ा ताहाल मुआवजों से महरूम। कभी चेक बाउंस तो कभी पैसे नहीं मिलने का बहाना लगाया जाता है। असातिज़ा की दुहाई। पुलिस के 33 अफसरान DIG के ओहदे पर तरक्की पा गए। काशिफ मुश्ताक कांजू, अफजाल अहमद कौसर, तैयब हफीज चीमा, जुबैर दरेशक, बाबर सईद DIG बन गए। मुजाहिद अकबर, जवाद अहमद डोगर, इमरान अहमर, मोहम्मद गौहर नफीस, नासिर आफ्ताब को भी तरक्की पाने वालों में शामिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस के करप्ट SHOs के गिर्द शिकंजा तैयार करने का मंसूबा। SHOs की प्रोफाइलिंग के लिए SP सिक्योरिटी फैसल शहजाद की सरबराही में टीम तश्कील। जराइम में मुलविस SHOs को SHO शिप से हटाया जाएगा। साहिवाल CTD अहलकारों की सफाकियत के मजीद हकायक सामने आ गए। 4 अफराद को इंतहाई करीब और सर में गोलियां मारने का इंकशाफ। 13 साल बच्ची अरीबा को 6 गोलियां इंतहाई करीब से मारी गईं। खलील की बीवी नबीला को 4 गोलियां लगीं, 1 गोली सर में मारी। खलील के जिस्म पर भी सर समेत 11 गोलियां बरसाई गईं। ड्राइवर जिशान को भी सर समेत 13 गोलियां मारकर मौत की नींद सुलाया गया। जान बहक होने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाहौर न्यूज को मौसूल। गम से निढाल सानेहा साहिवाल के मुतासरीन का कोई नहीं पुरसानेहाल। मकतूल खलील के भाई जलील का GIT के साथ साहिवाल जाने से इनकार। DSP समेत पुलिस की भारी नफरी चुंगी अमर सद्दू घर के बाहर इंतजार करती रही। वालिदा की तबीयत नासाज है, साहिवाल नहीं जा सकता। मुदई जलील ने अपने वकील को भी साफ जवाब दे दिया। सानेहा साहिवाल मकतूलीन के घर में गम के डेरे। इशारे ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। निगी रहनुमा परवेज मलिक कहते हैं टारगेट करके कत्ल किया गया, ये CTD की नालायकी है। पूरा मुल्क इस केस में हुकूमत से इंसाफ मांग रहा है। मेयर लाहौर बोले हुकूमत ने तो कहा था आवाम को दहलीज पर इंसाफ मिलेगा, ये हमें पहला तोहफा मिला। लाहौर वालों मासूमों की लाशें उठाओ। ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिकार हुसैन का भी अहले खाना से इशारे ताजियत। कहते हैं मुलविस अफराद को लवाहिकीन के सामने फांसी पर लटकाया जाए। अवाम से अपील है ऐसे केसेस में उठ खड़े हों। सानेहा साहिवाल मकतूलीन के अहले खाना को इस्लामाबाद किसने बुलाया, मुअम्मा बन गया। पुलिस अहले खाना को इस्लामाबाद में कार करने के बाद मुकर गई। SHO कोट लखपत और एहतशाम के दरमियान होने वाली बातें मंजर आम पर आ गई। SHO कोट लखपत फोन करके जाने का कहता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग बरामद। चुकी
नेपाल वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज अल्हम्ब्रा हॉल में ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब रोनुमाई। तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग नुमाया। रवायती कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेज ने मेहमान टीम के दिल जीत लिए।